आज हम देखेंगे सिलाई के गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नंबर 1, तो यहां पर मैंने सीधी पट्टी ली है और इसके ऊपर मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां काटूंगी। ये बिल्कुल सीधे कपड़े में आपको ये पट्टियां काटनी है। अब इन पट्टियों को हम जोड़ लगा कर लेंगे। तो जोड़ जो है हमें इस तरह से देना है, दोनों पट्टियों को जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो उस तरह से रखना है और तिरछे में सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे भी कट करके ले। उसके बाद में इसको इस तरह से ट्रिम कर दूंगी, यानी एक्स्ट्रा का कपड़ा निकाल दूंगी और बीच में से इसको इस तरह से बीच में से चीर के सिलाई लगा दूंगी ताकि ये जो जोड़ है वो इस तरीके से एकदम प्लेन बैठे। अब इस पट्टी को हमें एक साइड से सिलाई लगानी है। एक साइड से आप इस तरह से फोल्ड करो और एकदम सीधी सिलाई लगा दो। यहां पर मैं बिना डोरी के सीधे कपड़े के पट्टी में पाइपिंग बनाना सिखा रही हूं। तो यहां पर आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी चौड़ी आपको यहां पर सिलाई लगानी है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो बस सिंपली मैंने एक जैसी सिलाई लगा दी है। अब यहां पर मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है, ये भी बिल्कुल सीधा है और इसमें से हमें बिल्कुल 1 इंच चौड़ी सीधी पट्टियां काटनी है। तो बस मैं यहां पर पट्टियां काट कर लेती हूँ। यहां पर मैंने 1 इंच लिया है। अगर आपकी पाइपिंग बहुत ज्यादा चौड़ी है, बोल्ट पाइपिंग आप रख रहे हो, तो आप 1.25 इंच की पट्टियां भी काट सकते हो। अब इन पट्टियों को भी मैंने इस तरह से रखा है और मैं तिरछे में यहां पर सिलाई लगा कर लूंगी। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दूंगी। अब ये सारी पट्टियां आप जोड़ कर ले जितनी आपको लंबी चाहिए। अब देखो इस पट्टी को मैंने सुई धागे की मदद से इस तरह से फिक्स कर दिया। अब इसे हमें डालना है इस येलो कलर की पट्टी के अंदर। तो जैसे मैंने कहा था जितनी आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी आपको सिलाई लगानी है, तो मेरी इतनी चौड़ी है तो सुई धागे की मदद से मैं इस पट्टी को अंदर डालूंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो सुई को मैं आगे की तरफ ले रही हूँ और यहां से ये पट्टी भी अंदर की तरफ चली जाएगी। जैसे जैसे सुई आगे की तरफ जाएगी पट्टी भी अंदर चली जाएगी। तो बस इस तरीके से मैं इसको नीचे की तरफ खिसका के लूंगी। ये धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ज्यादा खींचातानी करेंगे तो सुई धागे से हमने जो पट्टी को बांध के रखा है वो निकल जाएगी। तो बस इस तरीके से मैं पट्टी को पूरी तरह से अंदर डाल दूंगी और दूसरे साइड से निकाल दूंगी बाहर। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरी तरह से पट्टी अंदर की तरफ चली गई है। और जहां पर हम डोरी डालकर पाइपिंग बनाते हैं वहां पर मैंने ये कपड़े की पट्टी डालकर पाइपिंग बना दी है। तो ये आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर बहुत ही भरी हुई बोल्ट पाइपिंग हमारी नजर आएगी। अब यहाँ पर पट्टी का जोड़ था इसलिए पाइपिंग डालते वक्त मुझे परेशानी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर छोटी सी सिलाई खोल दी थी ताकि मैं यहां से पट्टी को आगे की तरफ ले जा सकूं। और अब मैं इसको यहां से सिलाई लगा दूंगी और इसे बंद कर दूंगी। तो अगर आपको परेशानी आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस ओर से पट्टी बाहर आ चुकी है, अब मैं धागे को कट कर दूंगी। अब देखिए पाइपिंग हमारी रेडी है। अब इसे लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी। तो पहले इस वाली किनारी से पट्टी को मैं अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगा दूंगी। अब ध्यान रखिएगा ये सिलाई जो पाइपिंग की पट्टी हमने अंदर डाली है उसके ऊपर ना जाए। अब इसे मैं स्लीव के ऊपर लगाना बताऊंगी। तो आप देख सकते हो जिस साइड में हमारी पाइपिंग है वो वाली साइड मैंने इस तरफ की है और यहां से हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब ये जो सिलाई है वो एकदम यहां से आएंगी जहां पर हमारी पाइपिंग है उसके एकदम किनारे से लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं सिलाई जाएगी, इसका ध्यान रखें। जबकि हमें डोरी पाइपिंग लगाते वक्त सिंगल फुट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, लेकिन इस वाली पाइपिंग में हम हमारा नॉर्मल फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है, ये उल्टी साइड है और ये सीधी वाली साइड है। ठीक, अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे तो आप देख सकते हो हमारी बहुत ही सुंदर पाइपिंग यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये सीधे कपड़े में कटी पट्टियां हैं इसीलिए आप इसे सिर्फ सीधे में ही लगा सकते हो। अगर आपको
गोलाई में यानी गले के ऊपर पाइपिंग लगानी है, तो जहां पर हमने येलो कलर की पट्टियां सीधे कपड़े में काटी थी वहीं पर आपको तिरछे में यानी बाय स्ट्रिप कट करनी है, और जो अंदर की तरफ पट्टियां डाली थी हमने वो आप सीधे में कट करते हो तो भी चलेगा, बाकी इसका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं नंबर टू। अब मैं आपको बताऊंगी बिना बकरम के बिना बाय स्ट्रिप के सीधे कपड़े के पट्टी से गले का फिनिशिंग बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे करना है। तो यहां पर मैंने ये सीधे कपड़े में पट्टियां काटी है और इनकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इसे भी मैं इस तरीके से जोड़ दूंगी। आपकी जितनी भी पट्टियां हैं आपको इसी तरीके से एक दूसरे को जोड़ कर लेना है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दे और इसे इस तरह से खोल कर ले। अब इस पट्टी को एक साइड से हमें सिलाई लगानी है, तो मैं दिखाती हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, आप 1.5 इंच से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेनी है, कम लोगे तो भी चलेगा लेकिन 1.5 इंच से ज्यादा चौड़ी पट्टी नहीं कट करनी है। अब एक साइड से मैं इसको सिलाई लगा के लूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब ये बिल्कुल सीधी पट्टी है तो इसे हमें गोल करना है। गोल कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहां से मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। अब थोड़ी सिलाई लगाने के बाद यहां पर पट्टी को बिल्कुल दबा के रखना है उंगली से और सिलाई को कंटिन्यू करना है। जैसे आप देख पा रहे हो कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, बस यही हमें करना है। पट्टी को छोड़ना नहीं है, उंगली से दबा के रखना है। थोड़ी देर सिलाई लगने के बाद मतलब लगभग 5 से 6 इंच की सिलाई लगने के बाद आप इसे खोल दें तो यहाँ पर देख सकते हो चुन्नटे आ गई है। बस यही हमें करना है, पूरी पट्टी में ऐसी छोटी छोटी चुन्नटे यहाँ पर हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी पकड़ सकते हो, बस आपको करना क्या है पट्टी को दबा के रखना है ताकि इसमें छोटी छोटी चुन्नटे आ जाए। जितना आप अच्छे से दबाओगे उतनी छोटी छोटी चुन्नटे इसमें आ जाएगी। तो 5 से 6 इंच तक आप इसको दबा के रखें फिर छोड़ दे। जैसे आप देख पा रहे हो पट्टी बिल्कुल सिकुड़ सी जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है। तो बस ऐसे ही हमें पूरी पट्टी में करके लेना है। तो इस तरीके से करने से पट्टी में एक तरह से गोलाई आ जाती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरी पट्टी में सिलाई लग चुकी है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो पट्टी देखिए इस तरह से गोल हो जाएगी, जो कि हमारे गोल गले में बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठेगी। तो अभी मैं आपको इसको बिठा के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये गला कट किया है राउंड शेप में और यहां से मैं इसको लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गोल गले में बैठ गई, बिना कोई प्लीट लिए बिना कोई यहाँ पर पट्टी को खींचे हमें लगाना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और प्लीट्स लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें छोटे छोटे चुन्नटे आती है जिससे ये अपने आप गले का शेप ले लेती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ, जैसा हमारा गला है वैसे बिल्कुल इसे लगाना है। आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पट्टी का शेप ही अपने आप राउंड हो गया था। अब हमेशा की तरह यहाँ पर आप छोटे छोटे कट्स लगा दें। यहाँ पर अगर आप कॉटन कपड़े की पट्टी लेती हो तो गले का जो फिनिशिंग है वो और भी अच्छा आ जाएगा। कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को हमें इस ओर मोड़ना है, और यहां से आप थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर सकते हो या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने इसे आगे की तरफ मोड़ दिया है। मोड़ते टाइम जो मार्जिन है वो पट्टी के और ही रहना चाहिए, मतलब जो मार्जिन है उस मार्जिन के ऊपर ही ये सिलाई आएगी। और ये सिलाई लगाते वक्त आप गले को सीधा करके भी लगा सकते हो। अब देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, इसे हम प्रेस स्टिच बोलते हैं। अब इस पट्टी को बस अंदर की तरफ मोड़ दे, और जैसा ही आप इसको अंदर की तरफ मोड़ते हो आपका गले का फिनिशिंग आपको नजर आएगा। तो ये देखिए कहीं पर भी कोई झोल नहीं या फिर कोई प्लीट नहीं आपको दिखेगी, ये बिल्कुल सुंदर तरीके से आपका गला बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ 1 इंच के डिस्टेंस पर। बिल्कुल गले का जैसा शेप है वैसे हमें इसको घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आपको सिलाई नहीं लगानी तो आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और गले का आप फिनिशिंग भी देख सकते हो। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारा गला बैठा है। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अब देखते हैं नंबर 3। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल स्लीव ले ली है,
कई बार ऐसा होता है कि स्लीव जो है हमारी सेंटर में अच्छे से नहीं बैठती है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो स्लीव को सेंटर मार्क करना है और सेंटर मार्क से दोनों तरफ हमें 3-3 इंच पर मार्क करना है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। अब ये पूरा हिस्सा हमें श्रिंक करके लेना है। तो यहाँ पर करना क्या है देखो, यहाँ पर हम इस तरह से इसको दबा के रखेंगे कपड़े को, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने इसको दबा के रखा है, कपड़े को आगे की तरफ जाने नहीं देना है और इस तरह से सिलाई लगानी है जैसे मैंने अभी अभी आपको गले की पट्टी में बताई थी सेम। तो देखिए पूरी सिलाई होने तक मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इसे मैंने श्रिंक करके लिया है, मतलब इस तरह से ये जो कपड़ा है इकट्ठा होता है हल्का हल्का, और हल्के हल्के यहाँ पर चुन्नटे आती है। ये चुन्नटे बहुत ही हल्की होती है, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ऐसा पफ जैसा नजर नहीं आएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए सेंटर को सेंटर मैच करिए, और आप किसी एक साइड से भी सिलाई लगा सकते हो या फिर सेंटर से पहले एक साइड कंप्लीट करो, बाद में आप बचे हुए आधा हिस्सा कंप्लीट करो। तो मैंने एक साइड से ही सिलाई लगाना शुरू किया है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटर बिल्कुल मैच होना चाहिए हमारे पैटर्न को। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब आपको डाउट होगा कि जो हमने स्लीव को सिलाई लगाई थी उसकी वजह से छोटे छोटे प्लीट्स आए थे, तो वो तो नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। इनफैक्ट इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग करके ले ली है नॉर्मल स्लीव्स की तरह, जैसे आप देख पा रहे हो एक भी प्लीट आपको ऊपर से नजर नहीं आएगी। इसका फॉल बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद, तो इसे ट्राई जरूर करें। अब देखते हैं हमारी अगली ट्रिक नंबर 4। अब ये वाली जो ट्रिक है इसमें मैंने 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा कपड़े का टुकड़ा लिया है। अब ये वाली जो ट्रिक है, जो हेवी साइज की कुर्तियां होती है उनके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसे मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते टाइम मैंने एक उंगली जितना गैप छोड़ा है इस त्रिकोण में, जैसे मैं आपको सिलाई लगने के बाद दिखा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है, तो पहले मैं इसके कॉर्नर्स कट करके लूंगी। अब जो गैप छोड़ा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, इतना गैप मैंने यहाँ पर छोड़ा है, बाकी मैंने सिलाई लगा दी है। अब उस गैप से हम ये वाला कपड़ा बाहर निकालेंगे, मतलब पलट देंगे। तो इससे क्या होगा, सिलाई पूरी अंदर की तरफ चली जाएगी पूरे त्रिकोण की। इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये पूरा त्रिकोण हमारा यहाँ पर रेडी है, इसके कॉर्नर्स भी मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। अब ये जो गैप नजर आ रहा है इसे हम बंद कर देंगे, गैप हमने छोड़ा था इसे पूरी तरह से बाहर पलटने के लिए। अब ये त्रिकोण रेडी है। अब ये है हमारी कुर्ती, और जो कि ये हेवी साइज में बनी है, तो इसे मैं यहाँ पर स्लिट्स के ऊपर लगा दूंगी। तो ये एक साइड की स्लिट है और इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगी। इससे होता क्या है, क्योंकि जब भी कोई हम हेवी साइज की कुर्ती सिलते हैं तो स्लिट के ऊपर फट सी जाती है, उठते बैठते वक्त वहां पर कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसके लिए आप इस तरह से तिकोन लगा दीजिएगा वहां पर। कुर्ती का ही कपड़ा लेना है तिकोन बनाने के लिए, और इस तरह से आप इसको तिकोन बना के अटैच कर दीजिएगा। बिल्कुल मैंने यहाँ पर किनारे से सिलाई लगाई है, और लॉक करना मत भूलिएगा धागे को। तो इस तरह से तिकोन लगाने से यहाँ पर कितना भी चाहे खिंचाव क्यों ना आए, यहाँ पर ये फटेगा नहीं, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो ये वाली ट्रिक भी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं हमारी अगली ट्रिक नंबर 5। तो जब भी हम डोरी बनाते हैं तो डोरी के लिए हम पाय स्ट्रिप यानी तिरछे कपड़े की पट्टियां एक दूसरे को जोड़ कर लेते हैं, लेकिन डोरी बनाते टाइम पट्टी हमारी इधर उधर भागती है और डोरी हमारी एक जैसी और बारीक नहीं आती। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पर आपको इस तरह से कोई भी सीधी पट्टी लेनी है और इसको यहाँ पर नॉब को चिपक के रखना है जैसे वीडियो में देख पा रहे हो, और एक लाइन बनानी है। अब पट्टी लेनी है जिस पट्टी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी बनाने के लिए बाय स्ट्रिप ली है, और इसे इस जो लाइन खींची है बस उस लाइन को चिपक के रखना है। अब आपकी आंखें उस लाइन की ओर होनी चाहिए, ना कि सुई की ओर। सुई की ओर देखने की जरूरत भी नहीं है, बस लाइन की ओर आपकी आंखें होनी चाहिए, और उसी लाइन को टच करते हुए पट्टी को छोड़ते जाना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसे ट्राई जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, आपकी सिलाई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगी और बिल्कुल बारीक डोरी बनेगी।
तो देखिएगा, बस मेरी आंखें उस लाइन की ओर है और मैंने उसी लाइन की ओर देखते हुए पूरी सिलाई लगाई है। तो एक जैसी सिलाई लगी है, अब जैसे आप नॉर्मली डोरी को पलट के लेते हो सुई धागे की मदद से, वैसे ही मैं यहाँ पर इसको पलट के लूंगी। तो सुई धागे से मैंने इसको यहाँ पर गांठ लगा दी है और सुई की उल्टी साइड से मैं सुई को अंदर डालूंगी और बस सुई को आगे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ से निकालते जाऊंगी, इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली डोरी बनाते हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और ये डोरी भी हमारी बनकर रेडी है। तो जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही बारीक डोरी बनी है हमारी। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, बिल्कुल 1 पॉइंट जितनी इसकी चौड़ाई है। डोरी बनाने की ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 6। तो नंबर 6 में मैं फिर से आपको डोरी बनाने की और एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। तो यहाँ पर आप नोटबुक लीजिएगा जिसका सॉफ्ट बॉन्ड हो, मतलब कार्डशीट लेना है, वहां पर 2.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबी आपको पट्टी काटनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पट्टी काट दी है। अब ये वाली जो पट्टी है इसे आपको सेंटर में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये मेजरिंग टेप के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम इतना आपको लेना है डिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम मैंने लिया है और मार्किंग कर दिया है। और यहां से मैं सीधी लाइन बनाऊंगी। अब यहां पर ऊपर से 1 इंच पर मार्क करना है और दूसरा मार्क करना है 2.5 इंच पर। अब इन दोनों मार्क को आगे की तरफ लाइंस को खींच देना है और इसी लाइंस के ऊपर कट्स लगाने हैं। तो कट्स ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, जितना और जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कट करना है। कट करने के बाद मैं इसे खोल दूंगी तो इस तरीके से आपके ये दोनों कट्स नजर आएंगे। तो ये कट्स यहां तक लगे हैं। अब ये जो दोनों कट्स हैं इनकी चौड़ाई बिल्कुल 0.75 इंचेस, मतलब 1/2 इंच होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड करना है, ठीक है? और बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करके ये जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर हमें डाल देना है। तो इसे मैं इस तरह से डालूंगी। यहां से आप कोई भी नुकेली चीज लीजिएगा जिससे आप इसको अंदर की साइड डाल सको। इसे आगे वाले कट की ओर से भी हमें निकालना है, मतलब यहां से। ये करते टाइम हमें ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है। जो कट्स लगाए हैं वो कार्डशीट के ऊपर लगाए हैं, वो कहीं ज्यादा बड़े ना हो जाए। अब देखिए फोल्ड वाली साइड इस तरफ है। अब आते हैं मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर देखिए आपको बिल्कुल इसी लाइन से आगे की तरफ लाइन को खींचना है। ये छोटी सी लाइन आपको बनानी है, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने कहाँ से लगाई है, बिल्कुल उस हिसाब से आपको लगानी है। अब हमें ये लेना है जहां पर हमने पट्टी डाल के ली थी, और ये वाली लाइन और पट्टी की लाइन दोनों आपको मैच करते हुए रखना है। जैसे आप देख पा रहे हो ये और ये वाली लाइन बिल्कुल मैंने मैच करके रखा है, और उसे हम किसी भी चिपकने वाले टेप से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, ये टेप मैंने लगा दिया है ताकि यहाँ पर फिक्स बना रहे। ये टेप लगाते टाइम हमारे कपड़े के पट्टी के ऊपर ना आए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि पट्टी हमारी आगे पीछे होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे तो सिलाई बिल्कुल हमारे यहाँ से आएगी, क्योंकि उसी हिसाब से हमने इसको लगाया है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो पट्टी को मैनेज करने की आपको जरूरत नहीं है, बस यहां से आपको इसको इस तरह से छोड़ना है। तो ये अपने आप सिलाई एक जैसी लग जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हो, और ज्यादा बोलने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से एक जैसी सिलाई आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो ये ट्रिक मैंने खास बिगिनर्स के लिए बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक जैसी सिलाई नहीं आती और उसके कारण डोरी एक जैसी नहीं बन पाती। तो बस ये छोटी सी ट्रिक करनी है, आपकी सिलाई एक जैसी लग जाएगी। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर एक जैसी सिलाई लगी है और यहाँ पर डोरी भी हमारी बिल्कुल बारीक बनने वाली है। तो बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगी है। अब देखिए यहाँ पर हम पट्टी का एक कोना इस तरह से तिरछे में कट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी सिलाई हम यहाँ पर खोल देंगे। अब हम पट्टी को पलट कर लेने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ। अब बड़ी वाली सुई में मैंने धागा डालकर लिया है और धागे को गांठ भी बांध दी है। अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर एक टाका ले लूंगी,
और लॉक कर दूंगी। अब देखिए इस हम्म, तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब चाहो तो और एक टाका लगाकर इसको लॉक कर दे। अब देखिए इस वाली साइड से इस नोक को हमें अंदर डालना है ताकि बहुत जल्दी से अंदर की तरफ चला जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये नोक जल्दी अंदर नहीं जाता, बहुत परेशान करता है। तो इस तरीके से आप इसको अंदर डाल दे सुई की उल्टी साइड से। इसको अंदर डालते हुए ही हमें सुई को अंदर डालना है तो ये नोक बहुत जल्दी अंदर चला जाता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये देखिए अंदर चला गया। अब बस इसे हमें सुई को आगे की तरफ बढ़ाना है और जैसे जैसे सुई आगे की तरफ जाएगी पीछे की तरफ से हमें कपड़े को नीचे करके लेना है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे हमें जाना है। एक बार नोक अंदर चला जाए फिर कोई परेशानी नहीं है। तो बस उंगलियों की मदद से नोक को अंदर डालना है हमें। तो यहाँ पर नोक अंदर चला गया है ये आप देख सकते हो। बस अबे अभी आगे की तरफ सुई को बढ़ाते जाना है और पट्टी को नीचे की तरफ खिसकाते जाना है। तो ये आप देख सकते हो अब ये बहुत आसान होता है। बस दो उंगलियों से हमें इसे नीचे की तरफ लेना है और जैसे हम नॉर्मली डोरी पलट के लेते हैं वैसे ही मैंने सुई को आगे की तरफ निकालते हुए डोरी को बाहर निकाला है। और ये देखिए पूरी डोरी हमारी यहाँ पर पलट गई है। अब ये डोरी भी बहुत ही बारीक और सुंदर बनी है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे नंबर 7। तो जब भी हम कोई राउंड अम्ब्रेला घेर कट करते हैं तो ऐसे में हमारा कपड़ा बायस होता है और वहां पर ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो जहां पर आपको ये एरोज दिख रहे हैं वहां से आपका घेरा नीचे आएगा ही आएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने हैंगर लिया है जो मैं साड़ी के लिए यूज करती हूँ और इसे हमें इस घेरे को यहाँ पर पिंस लगा कर लेने हैं। तो जो कमर की गोलाई हम कट करते हैं अम्ब्रेला घेरा की वहां पर मैंने इस हैंगर को लगा दिया है जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए पिंस लगा दिए हैं। तो ये आधा घेरा है और बचे हुए आधे घेरे को भी मैंने इसी तरह से हैंगर लगा दिया है। अब ये दोनों घेरों को मैंने इस तरह से लटका के रखा है। पूरा 24 घंटे तक आपको लटका के रखना है। 24 घंटे बाद जैसे आप देख पा रहे हो जहां से ये कपड़ा बायस था वहां से नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर भी सीधा है, लेकिन इस दोनों ओर से ये नीचे की तरफ आ गया है। तो 24 घंटे बाद जितना भी कपड़ा नीचे आना है वो आ जाता है और फिर उसके बाद हैंगर को निकाल दीजिएगा और घेरे को इस तरह से फोर फोल्ड कर दीजिएगा जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने फोर फोल्ड कर दिया है। ये आधा हिस्सा है घेरे का, बचा हुआ आधा हिस्सा भी आपको ऐसे ही करना है। अब मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। बिल्कुल भी फोल्ड करते टाइम ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, खासकर कमर की ओर। यहाँ पर भी मैंने पिंस लगा दिए। अब देखिए ये फोर फोल्ड है तो और एक फोल्ड हमें करना है, मतलब ये 8 फोल्ड में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना ऊपर नीचे है, तो ये जितना नीचे का तरफ एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैं यहाँ पर गोलाई में कट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया। अब ये पूरा एक जैसे हो गया है लेकिन फिर भी एक बार हमें नापना है। तो यहाँ पर मेरी लंबाई थी 40.5 इंच, यहाँ पर भी मैं उतनी ही नापूंगी 40.5 इंच यानी 40.5 इंच, और सेंटर में भी हमें उतनी ही नापनी है 40.5 इंच। तो इस तरीके से तीन और मार्क करके फिर से एक बार गोलाई को कर देना है और इस तरह से कट कर देना है। और अब जाके ये बिल्कुल एकदम सही से हो गया है। जो भी मैंने इसके ऊपर पिंच लगाए थे मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब इसे मैं फिर से लटका के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपको फिर से हैंग करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको दोनों का फर्क दिखाने के लिए यहाँ पर हैंग किया है। तो जैसे आप देख पा रहे हो इसी तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो आपका घेरा कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आज के ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।